मधुपुर में आज कुल 3 आजमीन हज का पहला जत्था कोलकाता के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस से हुआ रवाना। वहीं 25 जून को दमदम एयरपोर्ट से जद्दा सऊदी अरब के लिए होंगे रवाना। आपको बता दें, पहले जत्थे में मधुपुर थाना क्षेत्र के पन्हा कोला के रहने वाले मोहम्मद असलम अंसारी, उनके अहलिया सईदा खातून सहित मधुपुर अनुमंडल के सिमरा से मोहम्मद बशीर, कुल मिलाकर 3 आजमीन हज के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोलकाता के लिए रवाना हुए। बता दें, पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से हज पर जाने को लेकर सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं इस वर्ष सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत लोगों को हज पर जाने की इजाजत मिली है, जिसको लेकर इस वर्ष मुस्लिम समुदाय के लोग हज करने के लिए सऊदी अरब मक्का मदीना जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में लोग स्टेशन पर पहुंचकर आजमीन हुज्जा से मुलाकात व मुसाफा किए और फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मौलाना द्वारा मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई। स्वागत करने वालों में हाजी सुल्तान अहमद, हाजी अली हुसैन, हाजी सरफराज अहमद, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद शकीब, मोहम्मद हसमत, दर्जनों महिला व पुरुष शामिल हुए। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।